मैं बताऊं, जब उम्मत पर बड़ी मुसीबत आने वाली होती है, जब उम्मत पर बड़ी तकलीफ आने वाली होती है, जब उम्मत को तबाह किया जाने वाला होता है, जब उम्मत को बर्बाद किया जाने वाला होता है, तो उस वक्त पहले से ताने बाने बुने जाते हैं। अब मैं आपकी बहुत संजीदा गुफ्तगू है, लेकिन तवज्जो आपकी होनी चाहिए। और नागपुर वाले माशाल्लाह जलसा सुनने में बड़ी महारत रखते हैं, इसलिए कि ये बाबा ताजुद्दीन की नगरी में रहते हैं, साहेब दिल की नगरी में रहते हैं, अल्लाह वालों की नगरी में रहते हैं। अल्लाह अकबर। अब गौर फरमाना, गौर करना कि जब कोई बड़ा फितना रूनुमा होता है, तो उस फितने से पहले जो लोग फितना पैदा करने वाले होते हैं, जो लोग फितना गर होते हैं, वो लोग एक साजिश करते हैं, एक मंसूबा बनाते हैं, एक तहरीक चलाते हैं कि किसी तरीके से जिस कौम को हलाक करना हो, जिस कौम को तबाह करना हो, जिस कौम को बर्बाद करना हो, उसका ताल्लुक अल्लाह व रसूल से खत्म कर दिया जाए, अल्लाह रसूल से तोड़ दिया जाए, दीन से रिश्ता कमजोर कर दिया जाए। अच्छी तरह याद रखना, जब तक इंसान का ताल्लुक अल्लाह उसके रसूल से रहता है, दुनिया की कोई ताकत किसी को मिटा नहीं सकती, किसी को तबाह व बर्बाद नहीं कर सकती। अच्छी तरह याद रखना, ताल्लुक बिल्ला उस ताकत का नाम है, ताल्लुक बिल रसूल उस ताकत का नाम है। जिस कौम के अंदर ये जौहर मौजूद रहेगा, वो कौम कभी मिटाई नहीं जा सकती, कभी तबाह नहीं की जा सकती, कभी बर्बाद नहीं की जा सकती। तो लोग करते क्या है, जब मिटाना होता है तो पहले दीन से रिश्ता कमजोर करते हैं, दीन से ताल्लुक तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि पांचवी सदी जो आ रही थी वो हलाकू और चंगेज खान के हमले की सदी थी, उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने सबा का वो फितना जो फितने बातिनिया था, आप किताबों को पढ़ेंगे, मैं सिर्फ इशारे दे रहा हूं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। अल्लाह अकबर। हसन बिन जैबो, अब हसन बिन सबा का फितना, हसन बिन सबा जो था उसने एक मसलक कायम किया था, बातिनी मसलक, जिसकी बुनियाद नशे पर थी। अल्लाह अकबर। आपको हैरत होगी, बड़े बड़े उलमा को कत्ल किया जा रहा था, उलमाए किराम को मार डाला जा रहा था, उनको शहीद किया जा रहा था, और उनकी जगह ईसाई यहूदी इस्लामी लिबास में जो है वो मस्जिदों के इमाम बन रहे थे, मस्जिदों के खतीब बन रहे थे। यानी हाल क्या था, लिबास मुसलमानों जैसा होगा लेकिन वो बंदा यहूदी होगा, वो बंदा ईसाई होगा। अल्लाह अकबर। यानी उनकी मस्जिदों के अंदर इमाम भी मुसलमान नहीं रह जाना चाहिए, जो मुसलमान थे उनको खत्म करो और उनकी जगह दूसरों को खड़ा करो। वो मुसलमान बनके, आलिम बनके, शेख तरीकत बनके अब जुमा में तकरीरें करते, जुमा में खिताब करते, चार चीजें फजीलत की बयान करते, एक शोशा बीच में छोड़ देते ताकि लोगों के दिल में शक पैदा हो जाए, शुकों को शुबात पैदा हो जाए। कितना पुरफतन दौर था। हुकूमतों का हाल यह है, हुक्मरानों का हाल यह है, एक एक बादशाह के हरम में यहूदी और ईसाई लड़कियां, 700-700, 800-800 लड़कियां। मालदारों का हाल यह है, 300-300 लड़कियां गाना सुनाने वाली। अल्लाह अकबर। 800-800 लड़कियां गाना सुनाने वाली, 300-300 लड़कियां शराब पिलाने वाली। मुसलमान दौलत की बुनियाद पर इतने अय्याश हो गए थे, इतने आवारा हो गए थे कि अल्लाह अकबर, उनके हरम में ईसाई और यहूदियों की लड़कियां थी, दीन नाम को रह गया था। अल्लाह अकबर। दीन का मजाक उड़ाया जा रहा था, ये हालात थे। और अक्सर जो उलमा थे वो मार दिए गए थे, जो चंद बचे हुए थे वो हाथों पर बिक चुके थे। अल्लाह अल्लाह। यानी ऐसा फितनों का दौर था, मुनाजरों का उन्वान हो रहा था, काला कलर अफजल है या पीला कलर अफजल है, हरा कलर, मुनाजरों के उन्वानात ये थे। यानी ला यानी बातों में उम्मत को उलझा दिया गया था। अल्लाह अकबर। गरीब अगर जुर्म करता तो उस पर गिरफ्त की जाती, मालदार जुर्म करता तो उसकी उस गलती पर बाजाब्ता तौर पे दलीलें पेश की जाती। अल्लाह अकबर। ये हालात थे। यानी के दीन कि नैया लोग देख करके सोचते थे अब गर्क होगी तब गर्क होगी, दीन गोया के सिस्कियां ले रहा था। मगर याद रखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने दीन नाजिल किया है, वो दीन को बचाने की जिम्मेदारी उसने ली है। अल्लाह अकबर। अपने जिम्मे करम पर उसने दीन की हिफाजत का जिम्मा लिया है। जब जब भी अल्लाह के दीन पे वक्त आया है, मेरे अल्लाह ने किसी को खड़ा किया है। मिसाल के तौर पर जब रसूल अल्लाह ने आंखें बंद किए, जाहिरी तौर पर इर्तेदाद का फितना उठा, अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को खड़ा किया। अफजलुल बशर बादल अंबिया भी ताकी सैयदना अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया गया, और सिद्दीक अकबर ने दीन की नैया की
हैं कि कयामत तक जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे, ये उम्मत सिद्दीक अकबर के एहसान तले दबी रहेगी। इसीलिए तो कि चौचे मुकद्दसा से हुजूर मुहद्दिस आज़म की आवाज आती है, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक है सैयद। हर फजीलत के वो जामे है नबुव्वत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे है नबुव्वत के सिवा। अल्लाह के दीन की हिफाजत की आपने, सहाबा कहते हैं जब उन्होंने पढ़ा था वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल, हमें ऐसा लगता था जैसे ये आयत आज ही नाज़िल हुई है, हमारी कम ज़हनों से वो आयत जो है वो गोया के बिल्कुल गुम हो चुकी थी, हमारे ज़हनों में नहीं थी। देहाती लोग मुर्तद हो रहे थे, मुसल्लमा कज़्ज़ाब का फितना था, लेकिन सिद्दीक अकबर का उम्मत पर एहसान है, बल्कि पहले दिन से एहसान है। अल्लाह हू अकबर। ये सिद्दीक अकबर, उसके बाद फिर जब यजीद का दौर आया तो फिर उम्मत को अल्लाह अल्लाह तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ने उस वक्त इंतखाब फरमाया। मौलाए कायनात और सैयदा फातिमा के शहजादे, सिद्दे पैगंबर, सिद्दे पैगंबर, हम शबीये पैगंबर, शहीदे करबला, शहजादे गुलगु कबा, हजरत सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम, आपने करबला में अल्लाह का दीन बचाया। उसके बाद छोटे मोटे हालात होते रहे, वाकयात होते रहे, फितने खल्के कुरान उरूज पर रहा, हालात बदलते रहे, फलसफा उरूज पर रहा, हालात बदलते रहे, हालात बदलते रहे, और फिर जो है वो खिदमत करने वाले आते रहे। लेकिन जब पांचवीं सदी थी तो हालात ये थे कि दीन को बिल्कुल मिटाना है। और एक बात आपसे अर्ज कर दूं, अगर गौस पाक के दौर के मैं हवाले और उनके कवायफ और हालात पढ़ूं गौस पाक की विलादत से पहले के, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं आज की बात कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा। क्यों? उस दौर हलाकू और चंगेज खान के हमले की के ताने बाने बुने जा रहे थे, और आज तीसरी आलमी जंग के ताने बाने बुने जा रहे हैं। तो उस वक्त तो जो साजिश थी, आज भी बेनी वही साजिश है, दीन से उसी तरह दूर करने की कोशिश है। आप देखें, तवज्जो करें, उस दौर में मालदार मुसलमानों को दीन से इतना दूर कर दिया गया था कि मुसलमानों के घर में गाने वाली लड़कियां 300-300 थी, शराब पिलाने वाली लड़कियां 800-800 थी। मालदारों का हाल यह था, बादशाहों और हुक्मरानों का हाल यह था। आज आपसे पूछता हूं, थोड़ी सी दौलत किसी के पास आती है, वहां तो लड़कियां गाने वाली थी, यहां तो ठेला ढकेलने वाले के पास भी जो है वो मोबाइल के अंदर इतने गाने भरे हैं कि वो लड़कियां भी तो एक बार थक के सो जाए, लेकिन ये मोबाइल कभी थकता ही नहीं। यहां का तो मालदार भी आवारा, यहां का तो गरीब भी आवारा। गोया के दीन से ताल्लुक कितना टूट तोड़ा जा रहा है, कितना कमजोर किया जा रहा है। जैसे वहां सिर्फ नमाज जुमा का एहतमाम होता था, मस्जिदें वीरान कर दी गई थी, आज हालात देख ले, मस्जिदें वीरान है, 5-5 मंजिला मस्जिदें आज वीरान पड़ी हुई है, सिर्फ जुमा की दो रकअत के लिए इस्तेमाल होती है। अल्लाह अकबर। उस वक्त का हाल यह था, खुतबा की जबानें बिक चुकी थी, खुतबा मसलियत पसंद हो गए थे, अहले इल्म जो है लायानी बातें कर रहे थे, इल्ला माशाल्लाह। आजकल वो हालात आप देख सकते हैं, कितनी लायानी बातें कुछ लोग कर रहे हैं, जबकि कौम का हाल ये है, रोटी कपड़ा और मकान के लिए ये कौम सिसक रही है। कौम की बच्चियां जहेज ना होने की वजह से किसी का हाथ पकड़ के भाग रही है, कौम के बच्चे यतीमी और गरीबी की बुनियाद पर तालीम से पीछे हो रहे हैं। हालात ये है, गुर्बत की वजह से लोग इर्तेदाद का शिकार हो रहे हैं, लोग मुर्तद हो रहे हैं, लोग दीन से दूर जा रहे हैं, और लायानी बातों का हाल ये है। अभी हम यही बहस कर रहे हैं कि गौस पाक का कदम किसकी गर्दन पर, किसकी गर्दन पर नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहां है अग्यार महरुमा से भी आगे निकल गए, अग्यार महरुमा से भी आगे निकल गए, उलझे हुए हैं सुबह की पहली किरण में हम। लेकिन मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि उस वक्त के मुसलमानों की खुशनसीबी ये थी कि उस वक्त अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी हस्ती को पैदा किया जो मुजद्दिद नहीं थे सिर्फ, बल्कि मुहय्युद्दीन थे। मुजद्दिदीन दीन तो कयामत तक आते रहेंगे, लेकिन मुहय्युद्दीन ना उनसे पहले आया ना कोई उनके बाद आया।
जाएगा। सरकार गौ से